हम आम जिंदगी में किसी भी व्यक्ति की सैलरी जानने में बहुत उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हमें जानना है कौन कितने पैसे कमा रहा है। पैसा लाइव में मैं महानाम धबाले आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो हमेशा खबरों में रहते हैं और जिसे हम सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर ऑफिसर्स कहते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे RBI और IAS IPS ऑफिसर की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप कंपिटिटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यू है क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ RBI ऑफिसर्स की सैलरी IAS और IPS ऑफिसर से ज्यादा होती है। हाँ, IAS IPS अधिकारियों की तुलना में RBI अधिकारियों को लगभग 2.5 गुना से 3 गुना तक अधिक वेतन मिलता है। RBI का वेतन संशोधन हर 5 साल में होता है और ये 5 साल बाद 1 नवंबर से देय होता है। इसीलिए चार्ट में दिए गए वर्तमान वेतन में कम से कम 15% से वृद्धि की जाती है या बोर्ड के निर्णय के अनुसार इसे 20% भी किया जा सकता है। एंट्री लेवल पर एक RBI ग्रेड बी अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में लगभग उतना ही वेतन अर्जित करता है जो ग्रुप ए सेवा के 20 वर्षों के बाद होगा, जिसका वेतन भी विश्लेषण में दिखाया गया है। GM और CGM स्तर पर RBI GM के लिए 12 लाख और CGM के लिए 16 लाख की नई कार की ऊपरी सीमा की खरीद के लिए भत्ता भी प्रदान किया जाता है। कार 5 साल के लिए कंपनी के नाम पर होगी, उसके बाद इसे कर्मचारी के नाम पर भत्ता राशि का 10% भुगतान करके स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नीचे विश्लेषण के लिए चार्ट है जिसमें सभी भत्तों को प्रति मासिक आधार में बदल दिया गया है, क्योंकि कुछ मासिक भत्ते, वार्षिक भत्ते, कुछ 2 साल में एक बार मिलने वाले भत्ते इत्यादि भी RBI में शामिल है। चार्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक 20 साल के जॉइंट सेक्रेटरी को जो अलाउंसेस मिलते हैं और RBI के जो अलाउंसेस है उसमें हम कंपेयर करके देखेंगे आखिर इसमें फर्क क्या है। RBI ऑफिसर्स को 2.5 से 3 गुना तक वेतन ज्यादा मिलता है। हम चार्ट में ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर अलाउंसेस की ही बात करें तो एक RBI ऑफिसर को अलाउंस जो उसे मिलता है उसमें ब्रीफकेस अलाउंस, बुक अलाउंस, स्पेक्टेकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लैंडलाइन अलाउंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ड्राइवर अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोडेक्सो मिल कार्ड, कई तरह के अलाउंसेस चार्ट में हम देख पाते हैं। विशेष अनुलाभ भत्ता कर्मचारियों को किए गए मॉनेटरी अनुलाभ पर टैक्स का रीइंबर्समेंट दिया जाता है। विशेष अनुलाभ भत्ता कर्मचारियों द्वारा किए गए मौद्रिक अनुलाभ के अनुसार दिया जाता है। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते जाते हैं वेतन में भी भारी वृद्धि होती है। यहाँ तक कि MBA ग्रेजुएट को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है। RBI भारत में सबसे अच्छा भुगतान करने वाला जॉब है जिसमें काम का बोझ कम है। कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।